तूफान से पहले की थोड़ी सी खामोशी है, ठंडी तो नहीं कहूंगा लेकिन हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं दुबई में। बिल्कुल तूफान भी आने वाला है, शुक्र है थोड़ी सी हवा चली है, राहत आई है। और राहत लेकिन कल आएगी, जब भारत मैच जीतेगा ना तब राहत आएगी, क्योंकि वो 10 महीने पहले जो हुआ ना, अभी भी थोड़ी सी खलबली सी मची हुई है दिल में ना, कि बड़ा दो तीन महीने तो मुझे, मतलब मैं ट्विटर खोलता तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता था कि वॉकओवर चाहिए, वॉकओवर चाहिए, जो कि मेरी और शोएब की बैंटर था उसका बहुत बड़ा खलारा डाल दिया। पर एनीवेज पाकिस्तान प्लेड वेल, बट आई होप कि जो कल का नज़ारा हो कुछ अलग हो। और मैंने तो पाजी 10 महीने से बोलना ही बंद कर दिया इस तरह से। नहीं देखिए प्रेडिक्शन तो नहीं करनी चाहिए, ये मैंने वो हमने सीखा है बिल्कुल, बट आई होप जो सीख की हम बात कर रहे हैं इंडिया की टीम ने भी सीखा हो, बिकॉज टीम बुरी नहीं थी इंडिया की, आई थिंक पाकिस्तान से भारी ही थी, बट उस दिन या आप स्टिफ थे या पाकिस्तान अच्छा खेल गया, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग भी हो गया। हाँ वो तो है ही, देखिए शुरुआत अच्छी हुई, वो दो गेंदें जो पूरे वर्ल्ड कप की शायद मुझे लगता है कि बेस्ट बॉलें होंगी, नो डाउट, जिसमें वो स्पेशली केएल राहुल वाली बॉल जो पड़ने के बाद बहुत तगड़ी तरीके से बॉल वो अंदर की तरफ आया और जिस लिहाज से वो बॉल कटा अनबिलीवेबल, तो उस पर केएल नहीं शायद कोई और भी बड़ा बैट्समैन आउट हो जाता, पर वहीं से टोन जो है ना वो सेट हो गई। वो जो पहले 6 ओवर की बात मैं करता हूँ हमेशा नए गेंद का महत्व, वो पाकिस्तान ने उसका भरपूर एडवांटेज उठाया, उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल। अच्छा इस मैच में हालांकि अगेन हम आमने सामने रखें तो तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा होती है हर फैन को अपनी अपनी टीम से, यहाँ पे थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस भी आए तो खैर ऑप्शनल ही हुई है। इंडिया की बैटिंग पे आपको कुछ दबाव दिखता है, कुछ स्ट्रेन दिखता है? नहीं देखिए एक ही चीज़ है कि ज़्यादा क्रिकेट खेल के नहीं आए ऊपर के तीन, अगर उनकी बात करूँ, केएल इंजर्ड थे, अभी जिम्बाब्वे गए थे बतौर कप्तान, वहाँ इतने रन बने नहीं उनके, रोहित ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेले हैं, लंबे रन नहीं बने, विराट कोहली ब्रेक के बाद आ रहे हैं, सो लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। आई नो कि वो हंगर जो है, वो डेडिकेशन जो है, वो अंदर से आ जाती है जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पर कभी कभार वो ओवर एक्साइटमेंट भी ना वो ख़राब कर जाती है। तो कल का जो गेम है वो थोड़ा संभल के पहले 6 ओवर खेलने होंगे और ऊपर के तीन का खेलना ज़रूरी, तीन में से दो का चलना ज़रूरी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हालांकि भारत के मतलब आप नाम के हिसाब से देखें कोई फ़र्क नहीं आया है, वही बैट्समैन जो पिछली बार दोनों मैचों में हारे थे वही बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन जैसे आप भी जानते हैं हम भी जानते देख रहे हैं आपका 4-5-6 मच बेटर, वही नाम लेकिन मच बेटर, ऋषभ पंत का डिबेट जरूर होता है लेकिन उन्होंने हालिया अच्छी 2-3 पारियाँ खेली हैं, सूर्य कुमार यादव ने भाई 10 महीने में क्या तरक्की किया, हार्दिक पांड्या इज बैक टू बीइंग हार्दिक पांड्या, आपकी बड़ी एक बात हुई है उनसे। हाँ बिल्कुल, हार्दिक पांड्या देखिए उनका कद बड़ा है वैसे भी बड़ा, बतौर कप्तान वो अभी एक IPL जीत चुके हैं और उनका बैटिंग के साथ साथ जो बॉलिंग उन्होंने साथ में करी है जिनके ऊपर बड़े सवाल उठे थे वो वर्ल्ड कप के बाद की इनकी अब जगह नहीं बनेगी अगर ये बॉलिंग नहीं करेंगे, तो उन्होंने वो दिखाया कि वो बॉलिंग भी करेंगे और बैटिंग पहले से भी बेटर करेंगे। तो हार्दिक पांड्या जो आज बातें भी हुई वो यही हुई कि यू नो हाउ ही इज़ ग्रोन अप यू नो एज ए प्लेयर, कि कहाँ से शुरू हुआ था, मुंबई इंडियन हमारे सामने सामने की बातें हैं और आज ये एक फ्यूचर कप्तान भी नज़र आता है, क्योंकि बहुत शांत स्वभाव से कप्तानी करते हैं जब मैदान पर रहते हैं और गेम को अच्छा समझते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लीड किया, टीम को आगे लेके गए और क्रेडिट टू हिम, आई थिंक ही इज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ इंडिया और इस लाइनअप में अगर उनको हम नहीं देखते हैं किसी भी वजह से, अगर इंजरी होती है तो थोड़ा सा वहाँ पे गैप नज़र आता है कि नंबर 6 साहब पे वो कौन है फिनिशर अगर हार्दिक पांड्या नहीं है, तो हार्दिक पांड्या इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। कोई एक फैक्टर आप अगर कल चुने, एक फैक्टर जो आपको लगता है कि मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है इस मैच में, वो क्या हो सकता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा जिसकी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस होगी वो मैच की, क्योंकि ये विकटें ऐसी हैं, ये कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे बॉल थोड़ा शायद हो सकता है रिवर्स भी चले, अगर रिवर्स चलेगा तो जो आपके 15 ओवर से लेके 20 ओवर में जो आप स्लॉग करते हो या फ्री हिट लगाते हो, तो वहाँ पे बल्लेबाजी जो अगर हार्दिक पांड्या का बल्ला चलता है तो वो डिसाइसिव हो सकता है, वो डिसाइड कर सकता है मैच में जीत और हार के अंतर को, तो आई थिंक हार्दिक पांड्या फॉर मी विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट। और पाकिस्तान से अगर एक आप एक्स फैक्टर उठाएं? रिजवान, पीपल टॉक अबाउट बाबर, ही इज़ ए फिनोमिनल प्लेयर, बट आई थिंक इट्स रिजवान हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द शो, वो गेम को आपसे दूर ले जाता है,
और उसको आउट करना जरूरी है। अगर गेम चला के भी बिल्कुल वो चला के खेलता है, और वो खेलता है 170 180 की स्ट्राइक रेट पे, जहां बाबर खेलते हैं 110 15 20 पे, वहीं बाबर खड़ा रहता है, वेट करता है अपॉर्चुनिटी की, ये वेट नहीं करता, ये अपॉर्चुनिटी बनाता है। तो रिजवान विल बी द की फॉर पाकिस्तान, बट वेयर एज फॉर इंडिया हार्दिक पांड्या इज गोना वेट। अब मेरे से भी नहीं हो रही क्योंकि जल्दी से संडे आए, और जल्दी से संडे आए आपने देखा जी आपका फेवरेट क्रिकेट का शो आज तक न्यूज़ चैनल पर वापस आया पाजी, थैंक यू, बड़ा मजा आया आज हमने क्रिकेट का, नहीं आपने शुरू किया दोबारा, बड़ा अच्छा लगा। और अब आज तक पर हर रोज शाम 7:30 बजे आपको क्रिकेट का शो मिलेगा, बट जब इंडिया का मैच होगा जाहिर तौर पर हम 6 बजे से शुरू करेंगे, और इस मैच में तो पाकिस्तान के आपको बहुत कुछ मिलने वाला है स्पोर्ट्स तक पर भी, आज तक पर भी। एक शो है भज्जी वर्सेस आफरीदी, जरूर देखिए। एक शो में पाकिस्तान की 3 धुरंधर वर्सेस इंडिया की 3 धुरंधर, उसके अलावा स्पोर्ट्स तक पर तो कवरेज चलती है। माई 11 सर्कल भाजी आपको पता है, मर्सिडीज ई क्लास आप जीत सकते हैं, ओके मर्सिडीज ई क्लास, और बाकी ये जीप कंपस महिंद्रा थार ये भी मिलती रहती है। और एक स्पोर्ट्स तक के फैमिली के लिए, सिर्फ स्पोर्ट्स तक के परिवार के लिए जो नए लोग आएंगे रजिस्टर करेंगे, एक कॉन्टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको 51,000 रुपये उसमें मिलेंगे जीत के। हालांकि मैं फिर बोलूंगा तो लोग कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, वो 51,000 माई 11 सर्कल ने रखे हैं कि अगर इंडिया जीत गया तो पटाखे चला गया। जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे, और पटाखों की तैयारी करिए। तो चलिए फिलहाल तो आप कीजिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब और स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड, और आपसे मुलाकात संडे।